पैसे भी मेरे पास नहीं थे, मैंने 100 रुपए से काम चालू किया। भाई के साथ मेरा ऐसा था, मेरे भाई ने मेरे को बाहर फेंक दिया, ठीक है ना, इसे निकाल लिया घर से बाहर। मेरा मेहनत करने में पीछे नहीं हटता हूँ, और मेहनत करिए, लगन से करिए, कोई चीज़ दिक्कत नहीं होती। मैंने जो दुख झेला है कभी नहीं, मेरे पैर में चप्पल कभी नहीं होती। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल कानपुर का खाना। कानपुर आना तो खाना जरूर खा के जाना। तो गाइज आज के वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ तिवारी खस्सा वाले। लोकेशन है गुमटी गुरुद्वारे के सामने लगाते हैं, और इनके यहाँ खस्सा बहुत ज़्यादा सेल होता है, और इनकी मैं आपको फुल स्टोरी बताने वाला हूँ कि इन्होंने कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करा मात्र 100 रुपये से, जब इनके पास और कुछ भी नहीं होता था, मात्र इन्होंने 100 रुपये उधार लेके अपने दोस्त से शुरू करा है बिजनेस। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और अब मैं मिलता हूँ सीधा आपको वहीं पर, ठीक है। इस समय जो है हमारे साथ तिवारी खस्सा के ऑनर, सो मैं उनसे आपको पूछवाऊंगा उनकी शॉप कहाँ पर लोकेटेड है और उनकी शॉप कितने साल पुरानी है, क्या स्टोरी है उनकी। तो चलिए गाइस पूछवाते हैं आपको। जो हमारे साथ तिवारी खस्सा के ऑनर, सो भैया आपका क्या नाम है? संतोष तिवारी। और जो आपकी शॉप कहाँ पड़ती है, किस जगह पड़ती है? ये 80 पेड़ गुमटी गुरुद्वारे के पास। ये गुमटी गुरुद्वारा है यहाँ। हाँ। आज गेटर के सामने बिल्कुल ये शॉप लगाते हैं भैया है। इसमें 12 रुपए का एक पीस। 12 रुपए का खस्ते की स्टोरी है आपकी शॉप लगाने की, ये आप कुछ बताइए अपने बारे में। मैं बताता हूँ, आज से 30-35 साल पहले की बात है, मैं खस्ता काम चालू किया था। उस समय मैं अकेला था, परेशान बहुत ज़्यादा था। उसके बाद मैंने पैसे भी मेरे पास नहीं थे, मैंने 100 रुपए से काम चालू किया। ये मात्र 100 रुपए से? 100 रुपए से। मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने व्यवहार से ठेला किराए के लिया, बारदाना खरीदा, के सब उधार लिया सामान करके। मेरी शादी हुई है 1993 में। उसके बाद मेरे और कभी बच्चा बच्चे आ गया, मेरे भाई के साथ मेरा ऐसा था, तो मेरे भाई ने मेरे को उठा के बाहर फेंक दिया, ठीक है ना, इसे निकाल लिया घर से बाहर। मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने फिर अपना साफ चालू किया। साफ चालू करने के बाद मैंने अपना व्यवहार से इधर कर करके धंधा किया, मेहनत किया, मेहनत करते करते मैंने आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। आज खस्ता 12 रुपये बिक रहा है इसमें, और मेहनत करने में पीछे नहीं हटता हूँ। क्या बात है भैया, और मेहनत करिए, लगन से करिए, कोई चीज़ दिक्कत नहीं होती। मैंने जो दुख झेला है कभी नहीं, मेरे पैर में चप्पल कभी नहीं होती, कपड़े नहीं होते ठीक से, मैं पहनता था ऐसे नंगे पैर घूमता था, हट जाप करता था, ठेला लगाता था मैं। उसके बाद धीरे धीरे अपना व्यवहार बनता रहा भैया, मेरा काम चलता रहा, करते रहे, धीरे धीरे भगवान बढ़ाता रहा। और यही साहब मेरी भाई, भाई मेरा दुश्मन बन गया, मेरा कोई दिक्कत नहीं, और बगल में भाई भी लगाता मेरा, मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं अपना साफ करता हूँ, और आज मेरे बच्चे दो हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, पढ़ लिख गए, तो पढ़ाया मैंने उनको। हाँ धंधा इस समय तो कम चल रहा है, लाइक जब फिर लॉकडाउन चला है तो धंधा आधा हो चाहे इस समय। धंधा लॉकडाउन से पहले कैसा चल रहा था? हाँ बढ़िया चलता था, मतलब अभी भी चल रहा है। हाँ तेज नहीं, तेजी नहीं है, चल रहा है, पहले भी चलता था, अब कुछ कम हो गया पहले से। तो आप आपका जो आप पहले लगाते थे मात्र 100 रुपए से, हाँ, तो आपका ये जो ठेला ये किराए का होता था या उधार मांग के लाते? किराए का होता था, 200 रुपए महीना किराया था। कभी याद नहीं माने चाहिए, मेहनत करते रहिए और लगन से लगे रहिए, कभी आदमी कोई दिक्कत नहीं होती है, और काम आदमी करना चाहे कोई काम दिक्कत नहीं है। अगर आज बात कुछ भी नहीं है, हमें बिल्कुल बेकार है, कुछ भी नहीं है, तो आप पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप धंधा करना चाहते हैं तो बगैर पैसे के धंधा है। आप मिट्टी लाइए खोद करके, वो बेचिए आप 5 रुपए किलो बिकती बंगलों में, आप गांव खोद लाइए और बेचिए, शाम को 200-250 रुपए पैदा हो जाएंगे आपको बगैर पैसे के, कोई लगा नहीं लगानी, बस मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत सिर्फ मेहनत है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता है, क्या बात है, आपकी स्टोरी बहुत। और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आज मिल रहा है नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, भगवान देगा जरूर, भगवान। और कभी 10 मिलेगा, कभी 5 मिलेगा, मिलेगा, हिम्मत कभी ना हारो, और फेल जा रहा है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप हाँ कभी कम कभी ज़्यादा तो चला करता है, ठीक है ना। और हिम्मत मेन चीज़ हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत किसी हिम्मत नहीं आना चाहिए। मैं अकेले काम करता हूँ घर से बाहर तक, कोई मेरा सहयोग करने वाला नहीं है, पूरा अकेले। मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, रात में पूरी तैयारी करता हूँ, ठेला लगाता हूँ, ठेला लगा के यहाँ आता हूँ, बेचता हूँ, बेच करके
घर लेके जाता हूँ। और आप कितने बजे से उठ जाते हैं सब करने के लिए? 3 बजे से, रात के 3 बजे। 3 बजे रात उठ जाता हूँ, रात के 12 बजे सोता हूँ। क्या बात है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए आप अपने खस्ते का टेस्ट करें। हाँ चलिए, आप कहिए। हमारा बन के हो चुका है रेडी, सब हम करने जा रहे हैं रिव्यू और दिखाते हैं आपको क्या है इसका टेस्ट। और जैसे अब इस खस्से की आपको फीलिंग दिखा देते हैं अंदर क्या है। काफ़ी गर्मा गर्म है ये, बहुत गर्म है ये, देख सकते हैं आप। जैसे कि अंदर अंकल ने दाल डाली है। अंकल जी आप कौन सी दाल डालते हैं इसके अंदर? उड़द की, मूंग की, दोनों दाल डालते हैं अंकल। ये इनके इनके सब्जी है, सब्जी में इन्होंने आलू डाला है और छोले डाले हैं और खट्टी चटनी डाली है, मीठी चटनी डाली है और इमली की भी चटनी अंकल डालते हैं और मिर्च मसाला भी डालते हैं। तो चलो गाइस आपको रिव्यू करके दिखाते हैं। और देख रहे हैं आप लोग कितना गर्मा गर्म है ये। अब इसको इस छोले के साथ खा के आपको दिखाते हैं। वैसे मैं इनका पर्सनली आता रहता हूँ तो चलिए इन्जॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है ये। बहुत ही ज़्यादा यमी खस्ता है, मज़ा आ गया इसको खा के। इसको खाने में सबसे बड़ी खासियत, जैसे लोगों के खस्ते होते हैं ना इतने कड़क होते हैं, इनके में ये खासियत है कि इनका खस्ता बिल्कुल कड़क ही नहीं है। जैसे हमें ज़्यादा दम ही नहीं लगाना पड़ा, मुंह में जाते ही घुल रहा है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। जैसे कोई बुज़ुर्ग आदमी भी आते हैं, बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं तो वो भी इसको आराम से खा सकते हैं, उनको ज़्यादा दम लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मिर्च मसाले का भी काफ़ी अच्छे से इसमें ख्याल रखा गया है। तो अगर आप इनका खस्से में नंबर देने की बात करूं तो मैं इनको 5 में से 5 नंबर दूंगा, क्योंकि जिस प्राइस के हिसाब से खस्ता दे रहे हैं मैंने इस प्राइस में इतना अच्छा खस्ता कभी खाया ही।